नमस्ते दोस्तों, मैं आनंदी, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो फिट कैसे रहेंगे, निरोगी कैसे रहेंगे, क्योंकि आप जो हमेशा अपने डाइट में शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, खासकर वो भी आपको बहुत हानिकारक पहुंचाता है। तो आप अपने डाइट में जो शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, शक्कर के जगह आप रोज़ाना अगर मिश्री का इस्तेमाल की, निरोगी और स्वस्थ रहने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज हम आपको फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस कर देंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, मिश्री के सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिश्री के सेवन से स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता रहता है, मिश्री के सेवन से रक्त संचार भी काफ़ी अच्छा रहता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से बहुत लोगों को खून की कमी हो जाती है, थकान होने लगता है, कमजोरी महसूस होती है और चक्कर भी बहुत लोगों को महसूस होने लगता है। इसका कारण एक ही है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का सही मात्रा नहीं है, वो बढ़ता है या फिर घटता है। अगर आप नियमित रूप से मिश्री का सेवन करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है, जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र हमेशा खराब रहता है, उस व्यक्ति को हमेशा मिश्री का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव गुड़ पाया जाता है, जिसे भोजन आसानी से पचाने में मिश्री काफ़ी फायदा करता है। तो उस व्यक्ति को शक्कर की जगह, अगर वो चाय कॉफ़ी कुछ भी पी रहे हैं, तो शक्कर की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। खांसी जुकाम जिन लोगों को हमेशा होता है, या मौसम चेंज होने पर खांसी जुकाम हो जाता है, या फिर धूप में आने के बाद अगर पानी पी लेते हैं तो उन्हें खांसी जुकाम हो जाता है, या कभी रात को अगर प्यास लग गई, अगर उठकर पानी पी लेते हैं तो भी सर्दी जैसा महसूस होता है, तो ऐसे लोगों को शक्कर की जगह मिश्री का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग को ये सुनकर अजीब लगेगा कि मिश्री इतना फायदेमंद है, तो जी हाँ, इस अवस्था में आपको मिश्री का सेवन कैसे करना है। जैसे आप 2 चम्मच मिश्री का पाउडर बनाकर ले लें और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लें। अब इन दोनों को एक ही में मिक्स करके रात में जब सोने जाएं तो सोने से 10-15 मिनट पहले आप इसका सेवन करें। इसको खाने के बाद आप पानी पी लीजिए, ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा दोस्तों। और मैं अगला पॉइंट बताने जा रही हूँ, जैसे गर्मियों का मौसम आते आते बहुत सारे जेंट्स लेडीज हैं कि गर्मी का मौसम शुरू होता है तो उनके नाक से खून भी आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी शक्कर की जगह मिश्री का सेवन करना जरूरी है। अगर वो मिश्री का सेवन करते हैं तो उनके नाक से खून आना बंद हो जाता है। नियमित रूप से मिश्री का सेवन करना चाहिए ऐसे लोगों को। और दोस्तों, नियमित रूप से मिश्री का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा मिलती रहती है, और इसलिए रोज़ाना किसी भी समय आप सौंफ और मिश्री का सेवन खाने से आपका मूड भी अच्छा रहता है, और आपका पाचन क्रिया भी सही रहता है, और आपके नाक से खून आना भी बंद हो जाता है। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो भी हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ किसी अलग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।